माध्यमिक शिक्षा मंडल भोपाल के द्वारा 24 अप्रैल को कक्षा 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षा का परिणाम घोषित किया गया और परीक्षा परिणाम जारी होने के बाद से ही स्कूलों के माध्यम से टॉपर छात्र छात्राओं की सूची तैयार कर प्रदेश, जिले व ब्लॉक स्तर पर जिन्होंने टॉप किया है, मेरिट सूची में अपना स्थान प्राप्त किया है, उनके घरों में बधाई देने का दौर जारी है। माध्यमिक शिक्षा मंडल भोपाल के द्वारा गत दिवस जारी किए गए कक्षा 10वीं के परीक्षा परिणाम में बालाघाट जिले के प्रावीण्य सूची में शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय बिरसोला में अध्ययनरत ग्राम बिरसोला निवासी मजदूर सुरेश चौधरी की बेटी कुमारी सुहानी चौधरी ने 500 में से 483 अंक प्राप्त कर जिले में प्रथम स्थान प्राप्त किया। वहीं कक्षा 12वीं में गणित संकाय से वैदिक कॉन्वेंट हायर सेकेंडरी स्कूल की छात्रा परिधि शरणागत ने भी प्रदेश के प्रावीण्य सूची में छठवां स्थान प्राप्त किया है। इस तरह से कक्षा 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षा में लालबुरा ब्लॉक ने जिले व प्रदेश में अपना परचम लहराया है, जिससे शिक्षा जगत के साथ ही छात्र छात्राओं के परिजन व क्षेत्रीयजनों में भी हर्ष की लहर व्याप्त है और सभी ने दोनों टॉपर्स व अच्छे अंकों से उत्तीर्ण हुए सभी छात्र छात्राओं की शुभकामना देते हुए उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की। जिस तरह से अभी गत दिवस 12th क्लास का परीक्षा परिणाम आया है तो उसमें आपका जिले में टॉप में नाम आया, तो कैसे जानकारी लगी आपको? जैसे ही मतलब सर ने बताया कि 4 बजे रिजल्ट अपडेट होने वाला है, फिर सर ने कॉल किया और बताया कि तुम्हारा डिस्ट्रिक्ट में टॉप लिस्ट में नाम आया है। MP लिस्ट में नहीं आ पाया तो मुझे थोड़ा नर्वस टाइप का लगा, लेकिन सर ने बोले कोई बात नहीं, अभी पहला कदम है, अभी आगे और करना है। तो आप संतुष्ट हैं इससे? सर लोग की खुशी है तो मैं संतुष्ट हूँ वैसे, और आगे कोशिश करते रहूँगी। नहीं, क्या उम्मीद थी आपको परीक्षा परिणाम आएगा तो किस तरफ से आएगा? मुझे उम्मीद थी कि टॉप लिस्ट में तो नाम आएंगे डिस्ट्रिक्ट में, और MP लिस्ट में भी आ सकता है ऐसा लग रहा था, लेकिन डिस्ट्रिक्ट में ही फर्स्ट आ गया। कितने मार्क्स आए आपके? मेरे मार्क्स 96.6 है। किस तरह से आपने पढ़ाई की थी? पढ़ाई के लिए मैं नॉर्मल पढ़ती थी, घर में 4 से 5 घंटे, और जब एग्ज़ाम बताई था उसमें कुछ ज़्यादा ही मतलब तैयारी करनी पड़ती है एग्ज़ाम की, इसमें तो उस टाइम में मैं 10 घंटे पढ़ लेती थी। कोई मोटिवेट्स किए होंगे आपको कि पढ़ाई के लिए? हाँ, पढ़ाई के लिए स्कूल में टीचर्स ने बहुत सपोर्ट किया, स्पेशली नंदा सर ने बहुत सपोर्ट किया, और कोचिंग क्लास तो मुझे जाना ही नहीं था, और सर से पूछा तो सर ने बोले कि कोई ज़रूरत नहीं है, पुस्तक से पढ़ाई कर लीजिए, और सर ने टेबलेट की पूरी हेल्प की, और जो भी उसमें मतलब डाटा भरना था उसमें भी सर ने पूरी हेल्प की है। बिना कोचिंग के मैंने कर ली, सर ने भी सपोर्ट की। सफलता का श्रेय किसे देंगे आप? इस सफलता के श्रेय मैं टीचर्स को और मम्मी पापा को देना चाहूँगी। आगे क्या करना है? आगे चल के मुझे UPSC में फाइट करनी है। कितने भाई बहन हो आपके? मेरी 3 बहनें हैं, मैं सबसे छोटी हूँ। पापा क्या करते हैं? पापा मजदूरी करते हैं, मम्मी मजदूरी करते हैं। तो आपको अच्छी सुविधाएं प्रदान करें? हाँ, सुविधाएं प्रदान करें, घर से पूरा सपोर्ट हुआ, मम्मी का भी और टीचर्स ने भी बहुत सपोर्ट किया अच्छे से, स्कूल में भी सब अच्छा था। आप क्या संदेश देना चाहेंगे आपके जूनियर को, आपकी किस तरह से पढ़ाई? मेरे जो छोटे भाई बहन हैं जो अभी 10th में आने वाले हैं, उनसे यही कहना है कि अच्छे से मन लगा के पढ़ाई कीजिए, और ऐसा स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए कि 10th बोर्ड है, नॉर्मल पढ़ना चाहिए। अगर आप रोज़ाना 1 घंटे पढ़ते हैं तो बहुत है आपके लिए, लेकिन रोज़ पढ़ना चाहिए, ऐसे छोड़ना नहीं चाहिए कि नहीं आज पढ़ लिए करने पड़ेंगे। आप